हेलो गाइस, आज हमारे पास है एक यूनिक एक्टिविटी। मेरे पास है पहले ग्रीसलिन। ग्रीसलिन मैं एक बीकर में डालूंगा 50 ml। तो ये मैंने इसमें 50 ml ग्रीसलिन डाल दी। अब मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ये ग्रीसलिन डाल ली और अब मैं इसको इसके अंदर डिप करता हूँ। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर हमें टेस्ट ट्यूब दिख रही है और नीचे हमें टेस्ट ट्यूब बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इसमें ग्लिसरीन डालने से टेस्ट ट्यूब के अंदर और टेस्ट ट्यूब के बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट ट्यूब नहीं दिख रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।